नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए हैं। जी हां, आपको बतला दें, अमेरिका को पछाड़कर चीन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है। जी हां, हम सुपर पावर देश अमेरिका की बात कर रहे हैं, जिसे चीन ने पछाड़ दिया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैकेंजी एंड कंपनी की रिसर्च आर्म की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है। इसके मुताबिक पिछले दो दशक में दुनिया की संपत्ति 3 गुना हो गई है। साल 2000 में दुनिया की कुल संपत्ति $156 ट्रिलियन थी, जो 2020 में बढ़कर $514 ट्रिलियन हो गई है। आपको बता दें कि इसमें चीन की हिस्सेदारी करीब 1/3 है। चीन की वेल्थ साल 2000 में मात्र $7 मिलियन थी, जो 2020 में $120 अरब पहुंच गई। इस दौरान अमेरिकी की संपत्ति 2 गुना बढ़कर $90 ट्रिलियन पहुंच गई है। चीन और अमेरिका दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और इन दोनों में 2/3 से अधिक वेल्थ 10% सबसे अमीर परिवारों के पास है। इन अमीरों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। आपको बतला दें, ज्यूरिख स्थित मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट में पार्टनर जॉन मिश्के ने कहा कि हम इससे अमीर कभी नहीं थे। दुनिया के 10 देशों की बैलेंस शीट के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। ये देश दुनिया की 60% से अधिक इनकम को भी रिप्रेजेंट करती है। इनमें चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मेक्सिको और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक कुल संपत्ति का 68% हिस्सा रियल एस्टेट के रूप में मौजूद है।